विचार घटना का हिस्सा है डिटैच नहीं हो पाते हैं ये सवाल है हाँ तो पूरी बात समझेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिटैच होना अनासक्ति अनासक्ति जा सकती है अनासक्ति जा सकती है उसके लिए ही ये आयोजन है क्योंकि मन जिस चीज के साथ रहता है आसक्त हुए बगैर नहीं रहता कुत्ता बिल्ली चूहा भी पालोगे तो उसके साथ भी आसक्ति हो जाती है मोह हो जाता है और इसी का इलाज ढूंढने के लिए कि इंसान के दुख का कारण क्या है भगवान बुद्ध ने क्या आत्मदर्शन किया विचार चले इमोशंस चले इच्छाएं चली ज्ञान मिले दुख से मुक्ति मिले औरों को मुक्ति मिले कई इच्छाएं, कई विचार रिश्ते सभी का आत्मदर्शन होता रहा होता रहा और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सबके मूल में क्या चीज है वो आपका ऐसा खिलौना है जो आपने आनंद के लिए चुना था आनंद के लिए जैसे आपको एक ऐसा खिलौना दिया जाए और आपको कहा जाए इसका बटन ऑन करो और आपको अपना नाम याद नहीं आएगा बटन ऑन करो आपको अपना नाम याद नहीं आएगा फिर आप ऑन करके वाकई बोल नहीं, वाकई नहीं आ रहा है आपको खुशी होगी ना अरे ये क्या है ये कैसा आश्चर्य मैंने बटन ऑन किया और मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैं कौन फिर बटन को ऑफ करते फिर आपको याद आ गया तो अब ये आपके मजे के लिए था ना ये क्रिएटिविटी थी मगर ऑन करके भी ऑफ करना भूल गए ऑफ करना भी भूल गए वो खिलौना भारी पड़ गया खिलौना भारी पड़ गया उसके साथ ये आसक्ति हो गई तो ये मन को बनाया गया सेल्फ ने इस खिलौने की रचना की खुद को ही भूल गया तो ये ऑपरेशन कैसे हो रही थी उस खिलौने के अंदर क्या था वो आसक्ति और उस आसक्ति को यूज किया गया उस रचना में आसक्ति को यूज किया गया ताकि ये लीला चल पाई और सवाल जो है डिटैच कैसे हो क्योंकि ये सारा जो किया गया आयोजन वो उसी के लिए किया गया है कि जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हो आप डिटैच कैसे हों से ज़्यादा मैं जो हूँ उस पर शिफ्ट हो रहे हैं तो देखोगे कि ये जो है ना ऑटोमेटिक होने लग गया उसे लड़ना नहीं है समझना है जैसे ना गुस्से से लड़ोगे तो जीत हासिल नहीं करोगे गुस्से को समझोगे गुस्सा करो मत गुस्सा पढ़ो पढ़ने के लिए कहा गया तो आसक्ति को समझो जैसे आपने ये समझा कि ये पर्टिकुलर सब्जी में ये चीज डाली जाती है तो आपको पेट में दर्द होता है आपको जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आप बंद कर देते हो तो आसक्ति से क्या होता है ये बहुत क्लियरली आपको मालूम पड़ जाए तो आप कहेंगे अभी नहीं परवडता मुझे क्योंकि अभी मुझे आजादी का आनंद पसंद आने लगा है तो डिटैच होना शुरू होंगे दर्शन तो होना चाहिए कि मेरा मोह बच्चों से पद से जेंडर से शरीर से क्या करवाता है मुझसे मेरा भव्य रूप स्वरूप ढक जाता है मैं इस खिलौने में फंस जाता हूँ तो मुझे और कितने साल ऐसे ही जीना है क्या इस साल को मैं वैसा बनाऊं वो पहला मोहरा जो अंतिम लक्ष्य को लाने ही वाला है तो फिर ये डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी तो आज जितनी है अटैचमेंट अगले साल क्या हो 40 का लक्ष्य 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत पर जाने के लिए तो ये उसी मात्रा में डिटैचमेंट बढ़ाएगी 40 प्रतिशत होश आ गया तो आप देखोगे उतनी डिटैचमेंट अच्छी हो गई और फिर डिटैच होकर जब अटैच होते यानी जब भक्त और भगवान दो नहीं रहे एक हो गए उसके बाद जब वापस से डिटैच होते एक होकर वापस वो फन के लिए है वो लीला है वो खेल है उसमें कोई आसक्ति नहीं बची मगर आनंद है ब्लिस है तो ये अवस्था आने के लिए आप छोटा छोटा लक्ष्य गिराते जा रहे हो और बड़े लक्ष्य तक पहुंच रहे हो हंड्रेड प्रतिशत आसक्ति चली जाए इस चक्कर में दो दिन प्रयास किया फिर तीसरे दिन नहीं हुआ फिर जो मोटिवेशन था समाप्त हो गया फिर जैसे पहले थे वैसे ही रह गए फिर सब बंद हो गया तो ऐसा ना हो इसके लिए ये दोनों पैरेलल ही चलेगी एक एक मोहरा दूसरे मोहरे को गिराएगा और अटैचमेंट उतनी ही रिवर्स होती जाएगी तो इस तरह काम कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद